तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप सब? अच्छे। अच्छा, तो आज हम कहाँ पर आए हैं? स्कूल में क्या होने वाला है? तो सब स्टार्ट करें फिर। यस सर। आप सब तैयार हो देखने के लिए? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, तो शुरू करते हैं और दिखाते हैं पूरा स्कूल कुछ इस तरीके का है। पेंटिंग बनाते हैं। जब हम यहाँ आए थे तो बहुत सारी ज़्यादा भीड़ लग गई थी देखने के लिए बच्चों के। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और जैसे कि आप देख पा रहे मेरे आगे पीछे दाएं बाएं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आप देख पा रहे काफ़ी अच्छे से मतलब सपोर्ट भी कर। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो आर्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं वीडियो में बहुत कुछ खास इसके अंदर नज़र आया। कुछ बच्चे बैट बॉल फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो अभी हमारे स्कूल में कुछ इस तरह से पेंटिंग हो रही है जो कि बच्चे भी कर रहे हैं और हम खुद भी मिल के कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, यहाँ पे बैट बॉल खेल, और यहीं पे हम पेंटिंग भी बना रहे हैं। तो ये है STCL पब्लिक स्कूल जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं जो कि इस तरह से हो गया है। और आपको ये कल ब्लॉग दिख जाएगा या परसों। तो अब जाके हमारी पेंटिंग कम्प्लीट हुई है, कैसा है कमेंट करके बताइएगा हमें। नमस्कार दोस्तों, मैं नटखट रोहित आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग देख पा रहे हैं रोहित सर की आर्ट एंड एक्टिंग क्लास। तो मैं कभी कभी इसके आर्ट दिखाता हूं और कभी एक्टिंग, तो आप लोग देख रही है। और हम आज ये पतंग गली बनाए हैं और इसके अंदर हम कुछ आउटलाइन करें, तो आप लोग देखिए किस तरह से हम आउटलाइन करते हैं। इस तरह से हम पेंटिंग बना रहे थे पहले, ये मैंने पहले से बना के तैयार करके रखा था जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इस तरह से हम पेंटिंग करते हैं और आप लोगों को ऐसे जो चीज़ के अंदर है आप चाहते हैं कि आर्ट कुछ नहीं थे, तो हमारे दिए गए नंबर पर जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अभी, उससे आप संपर्क कर सकते हो। संपर्क करके आप उससे सीख भी सकते हैं और साथ में कर भी सकते हैं। अभी क्या है, गुड़गांव में हमारे स्कूलों के अंदर आर्ट का काम चल रहा है, तो इसके अंदर भी कुछ काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। और अभी हम STCL पब्लिक स्कूल में काम कर रहे हैं, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। और इस तरह से हमारी पेंटिंग ये कम्प्लीट हो गई। अभी इसका पोंच जो रह गया है थोड़ा इसके अंदर हम कलर करेंगे, इसको भी बहुत ही आराम से स्लोली से भी हम कलर करते हैं। इस तरह से और इस तरह से हमारी पूरी पेंटिंग है जो धीरे धीरे करके कम्प्लीट हो जाती है, जिसके कारण ये पेंटिंग जब हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छी और प्यारी लगती है। कुछ लोग अपने क्लासरूम में, बेडरूम में और बाहर की बालकनी में इन सब चीज़ों को बनवाना पसंद करते हैं जो कि आप अक्सर हमेशा देखते हैं। और कुछ ऐसी प्रजाति के लोग होते हैं जिनको ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं होती, पता नहीं उनको क्या पसंद होता है, ये अलग बात है। लेकिन आप लोगों को यदि पसंद है तो वीडियो देखिएगा पूरा, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताइए कि आप लोग किस प्रजाति के लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को नमस्ते एंड प्रणाम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके बताइए कि कैसे लगे वीडियो। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से रोहित सर के आर्ट ने ये पेंटिंग बनाया है, और ये पेंटिंग काफ़ी अच्छा और बेहद खूबसूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके बताएं कैसी लगी। स्कूल पेंटिंग के ये आर्ट के लिए हमारे पास संपर्क कर, इस तरह से हमने आर्ट किया हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं। अभी हमारे लास्ट ब्लॉग में शिवम है जो कि देख रहा है। और कैसी लगी पेंटिंग पूरे स्कूल की? अच्छी लगी। वीडियो लाइक सब्सक्राइब करो। स्कूल में अभी तो बहुत सारी पेंटिंग है जो कि STCL में होगी, तो आप लोग देखते रहिएगा लास्ट तक वीडियो में।